साथ आपने इसको इसमें मिक्स करना है। ये गिर गया तो फिर आप इसको दोबारा से इकट्ठा करके उठा नहीं सकते हैं, बहुत एहतियात से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, इन पेजेस के अंदर ये थोड़ा सा चांदी का वर्क है, इसको आपने एलोवेरा के अंदर शामिल करना है। लास्ट में शामिल नहीं करेंगे, इस तरह से इसको मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत ही हल्के हैं ये, बहुत वजह के साथ आपने इनको इसमें मिक्स कर देना है, दैट्स इट। अब ये दो चीजों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। जब तक मैं इसको मिक्स करूंगी तब तक मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप दोस्तों से करती चलूं कि जिस तरह से आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, तो उसी तरह से मेरी एक फ्रेंड का चैनल है हैक्सलैंड, जिसका लिंक मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को दे दिया है और आप वीडियो के एंड पे देख सकते हैं। वहां पे अपलोड होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप लोग एंजॉय भी करेंगे, और प्लीज आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां पे कमेंट्स भी करिए तो मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक हो गया, अब दो चीजों को मिक्स कर लेने के बाद जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है रोज वाटर। हम इसमें एक चम्मच जो है वो गुलाब का अर्क मिलाएंगे। ठीक हो गया, तीन चीजें, बहुत ध्यान से आप इसको देखते रहे, कोई इसको बनाना रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब इतना अच्छा ग्लो सीरम बना लेंगे 15-20 दिन चलेगा और आप इसका रिजल्ट आपको इसी वीडियो के अंदर इंस्टेंट दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक टीस्पून इसमें मैं गुलाब का अर्क शामिल करूंगी। वन बाय वन चीजों को ऐड करें और साथ में मिक्स करते रहे ताकि चीजें यकजा भी आसानी से हो जाए और आपका बहुत ही जबरदस्त ग्लो सीरम जो है वो तैयार हो जाए। आप इसको एक दफा अप्लाई करेंगे तो आप इसको खुद ब खुद रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, इसका बहुत ही प्यारा रिजल्ट है। चांदी के और आप खाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके और भी कितने फायदे हैं किसी वीडियो में आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी, बट अभी आप यहीं पे इसका रिजल्ट देखें। नेक्स्ट इसमें हम ग्लिसरीन शामिल करेंगे, आधा टीस्पून आपने ग्लिसरीन इसमें शामिल करनी है। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपको मैं इसका इंस्टेंट रिजल्ट दिखाई चुकी हूँ तो मैं इसको लाजमी इस्तेमाल करती हूँ और आप भी अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसको लाजमी इस्तेमाल किया करें। हाफ टी स्पून हम इसमें मिलाएंगे ग्लिसरीन। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में आप लोगों को रिमाइंड करवाती चलूं कि जो दोस्त पहली दफा मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो खत्म होते ही आप लोग इसको भूल नहीं जाए। यहाँ पे अपलोड होने वाली ऐसी जबरदस्त और इंस्टेंट रिजल्ट वाली रेमेडीज को एंजॉय कर सके। हैक्सलैंड के जो चैनल का लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसे आप वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पंपकिन ऑयल यानी कद्दू का तेल। ये भी आपको 5-7 से आसानी के साथ मिल जाएगा। इससे ये होगा कि आपके चेहरे पर किसी भी किस्म के दाग धब्बे हैं, इवन एक्नी मार्क्स हैं या पिंपल्स वगैरह के स्कार्स हैं, वो भी इससे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम इस ग्लो सीरम में ही सारी क्वालिटीज रखना चाहते हैं जिससे किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो वो इसी ग्लो सीरम से जो है वो कवर हो जाए। ठीक हो गया, अब इसमें हम आधा टीस्पून जो है वो कद्दू का तेल मिलाएंगे। ये भी आपको 5-7 से या किसी भी जनरल स्टोर से आसानी के साथ मार्ट पे मिल जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आप देखते रहेंगे कि जैसे जैसे हम इसमें बाकी चीजें ऐड कर रहे हैं, ग्लो सीरम बहुत प्यारा सा इसमें ग्लो भी आ रहा है, ये मिक्स भी आसानी से हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज ये है, ऑयली स्किन वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम मिलाएंगे नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। ये भी हमने 1/2 टीस्पून लेना है। इसको ऑयली स्किन वाले बेफिक्रों के इस्तेमाल करें क्योंकि अब मौसम बदल गया है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप इसको हर तरह की स्किन के लिए बेस्ट है, बॉयज भी इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला 2 दिन में इसके रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। ठीक हो गया, अब इन तमाम चीजों को मिक्स कर लिया हमने और सबसे लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे जो कि बहुत ही स्ट्रांग इंग्रेडिएंट है हमारा, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऑलिव ऑयल मिलाएंगे। ठीक हो गया, अब तमाम चीजों को मिलाने के बाद जो ऑप्शनल चीज है वो है विटामिन ई का कैप्सूल या विटामिन ए का कैप्सूल। वो ऑप्शनल है, आप ना भी इसको शामिल करना चाहे तो ना करें, उससे आपके ग्लो सीरम पे मतलब नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसमें डाल लेंगे तो फायदा होगा, ना डालेंगे तो रिजल्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि बहुत बहुत ज्यादा चिपचिप नहीं हो,
तो इस ग्लो सीरम के लगाने के आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद ही आपकी स्किन पर आप देखेंगे किसी भी किस्म का ऑयल या चिपचिपापन नहीं होगा। एंड दैट्स इट, आपका ये ग्लो सीरम बनके तैयार है। ये बहुत स्ट्रांग है, आप देखिएगा कि सिर्फ एक दो इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें ग्लिसरीन और चांदी के राख शामिल किए हैं, इससे आपकी स्किन पर बहुत बड़ा ग्लो आएगा और ये ऐसा ग्लो सीरम है जो आपकी स्किन के हर तरह के प्रॉब्लम को कवर करेगा। इसमें हमने जो भी चीजें शामिल की है उससे आपकी, इसको अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स हैं, आपके अंडर आईज जो हल्के पड़ जाते हैं, तो आंखों के क्रीम भी लगाएं तो आप पूरे चेहरे पर आसानी से लगाएं, आंखों के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो आप देखिएगा कि इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त होगा। ठीक हो गया, अब आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बता देते हैं। आपने इसको थोड़ा सा ग्लो सीरम लेके अप्लाई करना है रात के टाइम, बिल्कुल इतना सा अपने चेहरे पर लगाएं और इसको आपने इस तरह से मसाज करना है। हल्के हाथ से मसाज करें, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है आपने, इससे चिपचिपापन नहीं होगा। तकरीबन एक मिनट का मसाज करने के बाद आप इसको छोड़ दें। यहाँ मैं आपको 3 घंटे छोड़ देने के बाद रिजल्ट इसका दिखाऊंगी, सिर्फ आप लोग को शो करने के लिए मैं इसको 3 घंटे लगा के रखा है और 3 घंटे के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इस दौरान में आपने वॉश नहीं करना, आपको टिश्यू वगैरह से साफ भी नहीं करना, बहुत ज्यादा ऑयल भी नहीं है हाथ के ऊपर और 3 घंटे के बाद का रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसको ऑल नाइट लगा रहने देंगे तो आपको इससे भी ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच